गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट चल रही है सेकेंड यूनिट, और इसके अंदर हम फिनॉल की बात कर रहे हैं। फिनॉल के अंदर हमने रिएक्शन की बात की थी, नेम रिएक्शन चल रही है, और इससे पहले की क्लास के अंदर हमने हॉवेनहॉस अभिक्रिया की बात की थी कि हॉवेनहॉस अभिक्रिया क्या होती है, उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनता है और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे एजो युग्मन अभिक्रिया। देखो हमारा टॉपिक चलेगा, आज हमारा टॉपिक है एजो युग्मन अभिक्रिया। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने हॉवेनहॉस अभिक्रिया की बात की थी, इस प्रकार से हॉवेनहॉस अभिक्रिया होती है। उसके बाद में इसके अंदर हमने मैकेनिज्म की बात की थी। आज हम बात करेंगे एजो युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। हमारा टॉपिक चलेगा एजो युग्मन अभिक्रिया। एजो युग्मन अभिक्रिया, देखो फिनॉल की अभिक्रिया जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, फिनॉल होती है, फिनॉल की अभिक्रिया हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, तो उसके दौरान हमारे को पैरा पोजीशन पर एजो युग्मन अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो उसमें ऐसी अभिक्रियाओं में फिनॉल की पैरा पोजीशन होती है, वहाँ पर एजो युग्मन अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले थोर्टिकल पोर्शन लिखेंगे, उसके बाद में रिएक्शन देख के हम उसके अंदर मैकेनिज्म की बात करेंगे। देखो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो फिनॉल की पैरा पोजीशन पर, इस अभिक्रिया में फिनॉल की पैरा पोजीशन पर एजो युग्मन अभिक्रिया समीपन होती है। इस अभिक्रिया में फिनॉल की पैरा पोजीशन पर एजो युग्मन अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया संपन्न होती है। देखो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, हमने इसके अंदर देखा है किसकी अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया, ठीक है, किसके साथ में करवाते, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन, उसके बाद में यदि हम बात करें डाई एजोनियम क्लोराइड,
के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके दौरान हमारे को पैरा पोजीशन पर एजो युग्मन अभिक्रिया प्राप्त होती है। फिनॉल की पैरा पोजीशन पर एजो युग्मन अभिक्रिया प्राप्त होती है। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये OH, ठीक है, फिनॉल की पैरा पोजीशन पर एजो युग्मन अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ये देखा है हमने इसके अंदर। अब देखो इसकी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। क्या देखेंगे इसके अंदर? मैकेनिज्म। देखो इसके अंदर सबसे पहले अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप की यदि हम बात करते हैं तो स्टेप फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। देखो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त करेंगे तो हमारे को जो इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है इसके अंदर इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज और ये Cl माइनस। ठीक है, तो ये स्लो स्टेप होता है और RDH होता है, रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है। इसके अंदर बंद के इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर जाते हैं तो उसके दौरान देखो हमारे को ये प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो हमारा जो सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, स्टेप सेकंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का हम अटैक करवाते हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो देखो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं। इसके अंदर ये फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल, और इसकी अभिक्रिया हम इसके साथ में करवाते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं इसके साथ, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस प्रकार से हम अभिक्रिया करवाते हैं। देखो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, जब ये नेगेटिव चार्ज उस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो उसके दौरान हमारे को इस प्रकार से यदि हम ये अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे को इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अंदर ये रिंग, ठीक है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उसके बाद ये रिंग। ठीक है, इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज पाया जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस प्रकार से ये OH। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर,
अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। जब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, देखो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ठीक है, देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये OH समूह, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर आ जाते हैं, जब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, इससे हमारे को ये प्राप्त होगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस प्रकार से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये OH समूह और ये कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिक्स मेंबर रिंग, अर्थात ये क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये जो रिंग होती है इस रिंग के अंदर यदि हम बात करें ये OH समूह, तो इस रिंग के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है रोटेट होता रहता है, ठीक है। हम इस प्रकार से इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेप के अंदर जो फास्ट स्टेप पाया जाता है रिमूव ऑफ H प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा H प्लस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखो स्टेप फॉर थ्री, थर्ड स्टेप रिमूव ऑफ H प्लस, ठीक है। जब हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, H प्लस का, जब H प्लस को हम रिमूव करते हैं तो देखो इसके अंदर ये इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हमारे को ये, ठीक है, ये प्राप्त हुआ था। इसके अंदर यदि हम बात करें तो देखो इसके अंदर हमारे को ये प्राप्त हो रहा है, सॉरी ये प्राप्त हुआ था हमारे को, ठीक है, या फिर इसके अंदर हम इस प्रकार से कह सकते हैं ये प्राप्त हुआ है हमारे को, तो ये जो OH समूह होता है यहाँ पर पाया जाता है और ये इस प्रकार से बॉन्डिंग पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है, इस प्रकार से। और ये क्या होता है इसके साथ, ये हाइड्रोजन होता है और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसके अंदर H प्लस का रिमूव करवाते हैं तो यहाँ से ये इस इसके जो इलेक्ट्रॉन सॉरी इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कार्बन के ऊपर जाते हैं, तो उसके दौरान यहाँ नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर OH और ये, ठीक है, तो यह हमारे को ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो ये स्टेप होता है जहाँ से H+ निकलता है वो फास्ट स्टेप पाया जाता है,
कौन सा स्टेप होता है ये? फास्ट फास्ट स्टेप होता है जिसके दौरान H प्लस बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखो ये जो अभिक्रिया होती है उसे हम इस अभिक्रिया को कहते हैं एजो युग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है ये? एजो युग्मन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा है एजो युग्मन अभिक्रिया क्या होती है। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।